अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसालेदार अंडे। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी 6-7 सूखी मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च और इसे अब हम भून लेंगे। मसाला भूनकर हो चुका है, मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के बाद मोटा मोटा पीस लूंगी। ये मैंने उबले हुए अंडे ली हूँ, उसका छिलका निकाल कर रख दी थी। इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी और इसे मिक्स करूंगी। हल्दी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें डालूंगी तेल। इसमें अभी मैं अंडे को डाल दूंगी, इसको अब हम चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। अंडे फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। उसी तेल में अब मैं डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसमें मैं अभी डालूंगी थोड़ी सी कड़ी पत्ती। प्याज को थोड़ा सा लाल करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी इसको मैं भूनूंगी। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटे हुए टमाटर। इसको अब हम अच्छे से पकाएंगे टमाटर को। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अभी मैं इसमें डालूंगी जो हमने भूनकर पीस कर रखे थे वो मसाला, नमक स्वाद के हिसाब से। अभी इसको हम सारे मसाले को 2 मिनट तक के भूनेंगे। दो मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसमें डाल दूंगी अंडे और बारीक कटी हुई कोथमीर। अब सारी चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह मसालेदार अंडे बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना मसालेदार अंडे कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।